हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका रेडिएंट जोन में। दोस्तों, आज की जो गवर्नमेंट स्कीम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे समाज के हमारे परिवार के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य, जो बुजुर्ग लोग हैं, सरकार ने उनका यहाँ पर ख्याल रखा। देखिए, सरकार का कर्तव्य ही है को समाज के हर वर्ग, निम्न वर्ग, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, वृद्ध वर्ग, सबका ख्याल रखना, युवाओं का ख्याल रखना। तो आज के जो गवर्नमेंट स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या कह सकते हैं, PMVVY, ठीक है ना। इस योजना के माध्यम से हमारे देश की सरकार, भारत सरकार, वो बुजुर्गों का एक बड़ा ख्याल रखा है। वो ये जो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है, ये एक प्रकार की पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष के उम्र के 60 वर्ष या उससे ऊपर 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए ये योजना है, ठीक है। और इस योजना के माध्यम से ये एक प्रकार की पेंशन योजना है। यहाँ पे बुजुर्गों को, जो बूढ़े लोग हैं, उनको सरकार ने एक प्रकार का सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। ये सामाजिक सुरक्षा क्या होता है? तो ऐसे व्यक्ति जो बुजुर्ग हो गए होते हैं उन्हें क्या चीज, एक तरीके से सोशल सुरक्षा दिया गया है कि बुढ़ापे में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक कमी महसूस ना हो, ये उन लोगों के लिए स्कीम लाई गई है। तो यहाँ पे इस योजना के माध्यम से सरकार ने बुजुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए एक बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। तो आइए इस योजना के माध्यम से हम समझें कि ये क्या है, इसके मेन उद्देश्य क्या हैं, सरकार को इस योजना के लाने के पीछे वो क्या मकसद है, वो मकसद क्या है। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ पे समझेंगे इस योजना के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था, इस योजना का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा, ये एक प्रकार के क्या है, ये भारत सरकार का कार्यक्रम है। तो ये भारत सरकार द्वारा औपचारिक शुरुआत यानी विधिवत शुरुआत कब की गई, तो 21 जुलाई 2017 को इस योजना का विधिवत शुरुआत किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आइए यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वो एक प्रकार का पेंशन योजना है, ये पेंशन योजना है, ठीक है। और ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, ये जो योजना है एक पेंशन योजना के साथ ही साथ ये केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। अब आइए इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे, वो कौन से व्यक्ति होंगे जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस योजना का लाभ वही वरिष्ठ लोग उठा सकते हैं, इस योजना का लाभ वही वरिष्ठ लोग यानी बुजुर्ग लोग उठा सकते हैं जिनकी उम्र जो है 60 वर्ष से ऊपर है, जिनकी उम्र जो है वो 60 वर्ष से ऊपर है, वही इस योजना के लाभार्थी होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए, अब वो पूरा का पूरा प्रक्रिया क्या है, वो क्या प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो वरिष्ठ लोग हैं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम यहाँ पे समझे। तो पहला जो प्रक्रिया में है, अगर कोई व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जो 60 वर्ष से ऊपर है, वो एक बार में यदि 1,44,578 रुपया, अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है वो एक बार में यदि 1,44,578 रुपये एक मुफ्त प्रीमियम का भुगतान करता है, एक मुफ्त यानी एक ही बार में यदि 1,44,578 रुपया एक मुफ्त प्रीमियम का भुगतान करता है, यानी एक बैंक अकाउंट उनका खुलेगा, गवर्नमेंट उस वहाँ पे गवर्नमेंट का ये शर्त रहेगा कि वो यानी वरिष्ठ व्यक्ति एक बार में 1,44,578 रुपये एक मुफ्त प्रीमियम का भुगतान करेगा, तो अगले दस साल के लिए लाभार्थी को एक हजार रुपये की मासिक पेंशन पाने के वो व्यक्ति हकदार हो जाएगा। यानी इसका सीधा व्यक्ति है कि जो भी बुजुर्ग जो 60 वर्ष से ऊपर है
अगर एक बार में 144,578 रुपया वो जमा कर दिया तो अगले 10 साल के लिए यानी 70 साल तक अगले 10 साल के लिए प्रति महीना हर महीने उसे 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। ठीक, 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है? अगर व्यक्ति बुजुर्ग अगर व्यक्ति जो है लाभार्थी जो है अगर व्यक्ति 7,22,892 रुपये 7,22,892 रुपये एक मुश्त प्रीमियम जमा करता है तो उसे अगले 10 सालों तक प्रति महीना कितना मिलेगा? 5,000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलेगा। 5,000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलेगा उस बुजुर्ग व्यक्ति को जो 7,22,892 रुपये एक मुश्त प्रीमियम के रूप में जमा करता है तो 10 साल के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर है, इस पॉलिसी का जो टर्म है ये 10 साल के लिए ही है। इस पॉलिसी का जो टर्म है वो 10 साल के लिए है। 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति इसमें लाभार्थी होगा और ये 10 साल के लिए एक पेंशन योजना है। यह पॉलिसी टर्म जो है वो 10 साल के लिए। अब ये बीमा धारक पर निर्भर करता है, पॉलिसी होल्डर पर निर्भर करता है कि वो पहले उसे बताना होगा कि उसे जो पेंशन चाहिए, पॉलिसी धारक जो पेंशन धारक है उसे ये बताना होगा कि उसे पेंशन या तो मासिक चाहिए या तो छमाही चाहिए या तो सालाना चाहिए। यानी पेंशन या तो आप मासिक हर महीने उठाओ या आप 6 महीने पर उठाओ या आप 1 साल पर उठाओ, ये उसका चयन वो पॉलिसी धारक खुद कर सकता है। ठीक है, आगे इस पर मिलने वाला जो एसोर्ड रिटर्न है, इस पर मिलने वाला जो एसोर्ड रिटर्न है वो कितना, यानी जो ये राशि जमा की जाएगी ये या ये, उस पर 8% का ब्याज भी मिलेगा। उस पर 8% का क्या मिलेगा? ब्याज भी मिलेगा, कोई दिक्कत? अब यहां पर आइए, तीन पॉलिसी वर्ष के अंत में यानी तीन साल के बाद जब कोई लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाया, जब वो उसमें क्या हो गया, शामिल हो गया, तो 3 पॉलिसी वर्ष यानी 3 वर्ष के बाद वो व्यक्ति लाभार्थी अपने क्रयमूल के 75% तक ऋण लेने के लिए अनुमानित यानी वो क्या चीज योग्य हो जाएगा। यानी सिंपल वे में यदि हम आपको बताएं तो जो व्यक्ति या तो ये वाला या तो ये वाला अगर वो पैसा जमा करता है तो 3 पॉलिसी वर्ष के बाद यानी 3 साल के बाद वो इस राशि का 75% ऋण जो है, इस राशि का 75% ऋण जो है वो ले सकता है। ठीक है, ऋण के रूप में 75% हिस्सा वो ले सकता है यदि उसे जरूरी हो, अगर वो चाहे तो। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्रयमूल, अंत में क्रयमूल का मतलब क्या हुआ? जितने उसको पैसा, जितना वो पैसा जमा किया, या तो ये, कोई दिक्कत? अब आगे आइए, अगर किसी कारणवश पॉलिसी धारक पेंशन भोगी वर्ग लाभार्थी जो पॉलिसी होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए कोई लाभार्थी है, इतना पैसा जमा किया या तो ये इतना पैसा जमा किया और अचानक उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई तो पैसा किसको मिलेगा? तो पैसा जो है वो किसको मिलेगा? पॉलिसी धारक का किसी कारणवश मृत्यु हो जाने पर जो भुगतान की गई जो प्रीमियम है, उसका पैसा जो है नॉमिनी को मिल जाएगा। देखते हैं बैंक अकाउंट वगैरह खोला जाता है तो उसमें किसी ना किसी को नॉमिनी के रूप में बना दिया जाता है, कोई ना कोई नॉमिनी हो जाता है, भाई हो, मदर हो या घर के कोई भी सदस्य, उसको नॉमिनी बना दिया जाता है कि अचानक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो सारा पैसा वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो यहाँ भी वही प्रावधान है कि मान लीजिए कोई पेंशन भोगी वर्ग है, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी जो होगा, जैसे बेटा है बेटी है, कानूनी उत्तराधिकारी या कोई पुरुष है तो उसकी वाइफ है, तो कानूनी उत्तराधिकारी को वापस पैसा कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत? पेंशनर के हाथों में आने वाली पेंशन, अब देखिए जो पेंशनर है जिसको पेंशन मिल रहा है इस योजना के माध्यम से, उसके हाथ में जो आय आएगी, या तो 5,000 रुपये महीना होगा या 1,000 रुपये महीना, तो उस पर आयकर लगेगा, उस पर इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगेगा, वो उसकी टोटल सालाना इनकम में एक ऐड हो जाएगा, उतना हिस्सा ऐड हो जाएगा और उस पर क्या होगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी इसके योजना के माध्यम से जो हर महीना पेंशन मिलेगा वो आयकर के दायरे में आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें हैं। अब देखिए,
अब इस योजना का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, कौन संचालित करेगा? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए एक्सक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेटर होगा। एक्सक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेटर यानी वो संचालित करेगा इस योजना का, जो मेन संचालक होगा वो LIC होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक प्रकार का सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक पेंशन योजना है, और इस योजना का लाभ 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति ले सकते हैं। ठीक, और वो 10 साल के लिए वो इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता है आपको इस योजना के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली होगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री या मेंस दोनों दृष्टिकोण से। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हाँ, आपसे फिर से एक विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, अपने सगे संबंधियों को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।